आपके साथ अलका। बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर पेच फंस गया है। ऐसा पहली बार हुआ है कि चुनाव को लेकर बिहार और भारत निर्वाचन आयोग के बीच किसी मुद्दे पर ठन गई हो। दरअसल इस बार बिहार में पंचायत चुनाव ईवीएम से कराने की तैयारी है, लेकिन पंचायत चुनाव में बड़ी तादाद में ईवीएम की अनुपलब्धता समस्या बन गई है। मामला इतना बिगड़ गया है कि राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट जा पहुंचा है। राज्य निर्वाचन आयोग पंचायत चुनाव को ईवीएम से कराने की तैयारी कर रहा है। वहीं राज्य सरकार ने इसके लिए मंजूरी भी दे दी है, लेकिन ईवीएम अगर सही पर उपलब्ध ना हो पाया तो पंचायत चुनाव की तारीख आगे बढ़ सकती है। फिलहाल चुनाव मार्च से मई महीने के बीच 9 चरणों में होना है। इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे सहयोगी ऋत्विक जुड़ गए हैं। जी ऋत्विक, ईवीएम को लेकर पंचायत चुनाव में ठन गई है, क्या कुछ है अपडेट? देखिए अलका, बहुत पहले ही जब बिहार विधानसभा चुनाव हो रहे थे उससे पूर्व में ही बता दिया गया था कि इस बार राज्य में जो पंचायत चुनाव है बिहार में वो ईवीएम से होगा। इसके लिए पहले ही राज्य सरकार ने भी मंजूरी दे दी थी, लेकिन ईवीएम की कमी कही जा रही है कि ईवीएम की जो कमी है उसकी वजह से जो इस बार पंचायत चुनाव है क्या उसमें ईवीएम का प्रयोग नहीं होगा, इसको लेकर राज्य निर्वाचन आयोग के खिलाफ हाईकोर्ट जा चुका है और इसके लिए राज्य सरकार ने पहले ही मंजूरी दे दी थी। देखिए, हिंदुस्तान में कई ऐसे राज्य हैं जहां पर ईवीएम से पंचायत चुनाव कराए जा चुके हैं, केरल भी उनमें से एक है, और उसी के तर्ज पर अब इसी कड़ी में बिहार में भी पहली बार हो रहा था पंचायत चुनाव में ईवीएम के प्रयोग हुआ, लेकिन अब ईवीएम की कमी बताई जा रही है अलका इसमें कि ईवीएम नहीं हो सकता है या कमी हो सकती है उसकी वजह से पंचायत चुनाव में जो है ईवीएम की कमी के बजाय शायद ईवीएम को लेकर अभी ही, क्योंकि देखिए मार्च से मई के बीच 9 चरणों में पंचायत चुनाव हो रहा है, तो इसके लिए अभी से ही राज्य निर्वाचन आयोग ने एक तरीके से अल्टीमेटम भी दे दिया है निर्वाचन आयोग के खिलाफ कि हमने पहले ही आपको कहा था उसके लिए अगर अभी अगर ईवीएम नहीं मिल पाता है तो उसके खिलाफ ये जो है राज्य निर्वाचन आयोग जो है वो हाईकोर्ट जा पहुंचा है। अलका जी ऋत्विक, तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही, बने रहे नेशन न्यूज के साथ। नमस्कार।